हेलो, आज है सैटरडे। सोचा कि आज मॉर्निंग व्लॉग शूट करते, क्योंकि आज थोड़ा इंटरेस्टिंग भी डे है। मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगी भी एक स्पेशल इंसान से मिलने। बताऊँगी व्लॉग में किससे मिलने जा रही हूँ। तो सबसे सुबह सुबह उठ के ही अपने प्लांट्स को थोड़ा पानी दे रही हूँ। ये आउटफिट जो मैंने पहना है, दिस इज़ एन आउटफिट, कॉटन की ड्रेस है दैट आई गॉट फ्रॉम शीन। याद है शीन? पहले हुआ करता था एक बहुत ही फेमस वेबसाइट, अभी तो खैर बैंड ही है आई थिंक इंडिया में। गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो? ब्लॉग करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर मैं लोग घूमूंगा लिटिल बिट वाटर लुकवार्म होता तो बेटर होता, बट आज ऐसे नहीं मिल रहा हूँ पानी के साथ। ओके, आई एम फ्रेशिंग अप। सुबह के भी 7:30 बज रहे हैं, उठ के हूँ मैं। और आज सैटरडे का ये प्लान है कि सुबह सुबह मुझे मिलने जाना है मंजू से। मंजू मेरी फ्रेंड, फूड फिटनेस फंड वाली, आपने देखा ही होगा काफ़ी ब्लॉग हुए उसके साथ। हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट बीच बीच में अपना मिलते रहे, मतलब हमारे दोनों की मेंटल सैनिटी के लिए बहुत सही है। क्योंकि यू नो, यू शुड हैव गर्ल फ्रेंड्स, एंड गर्ल फ्रेंड्स आर अनपैरेलल्ड एंड लाइक माइंडेड गर्ल फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि कोई भी गर्ल फ्रेंड लाइक माइंडेड हो, वो इंसान आपकी चीज़ें समझ सके, और अगर समझ ना भी सके तो आपको सुन सके। एक ना लिसनिंग पावर भी होनी चाहिए लोगों को, हमेशा कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों वर्गोज हैं। सितंबर दोनों का एक ही टाइम में बर्थ था, मेरा 9th को था, उसका अगस्त में था, 29th अगस्त। तो दोनों ही वर्गोज हैं, ऑलमोस्ट क्लोज बर्थडे है। तो बर्थडे के बाद एक साथ मिल रहे हैं टू सेलिब्रेट अवर बर्थडेज टुगेदर। तो हम हमारी फेवरेट जगह, ब्रेकफास्ट प्लेस, हेल्दी प्लेस ऑफकोर्स, फॉल्स जाएंगे। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दोज लाइक माइंडेड पीपल। ज़्यादा नहीं है मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा सा है, एंड आई लाइक टू कीप इट दैट वे। तो चलो, उसके लिए रेडी होना है, इसलिए जल्दी उठ गई हूँ। अभी पानी पी के, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके, फिर मैं योगा करूँगी घर पर अभी आज। हो गया सुबह सुबह एफर्मेशन सुनना, जर्नल लिखना, ये मैं कंपल्सरीली करती हूँ। इनफैक्ट मैं जब ट्रैवल भी कर रही हूँ, अभी मैं बीच में लंदन जब गई थी घूमने, आई कैरीड माई ग्रेटिट्यूड जर्नल विथ मी। हाँ, मैं उसको 2 टाइम लिख, सुबह शाम नहीं लिख पाती थी, पर दिन में एक बार मैं लिखती थी। सो दैट हैज़ रियली हेल्प। एक्चुअली ये जो हैबिट्स है ना, बिकॉज आई हैव हैड इट इन द पास्ट, सो इतना फिर से रिवाइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। तो घर पे ही मैंने 45 मिनट्स के लिए योगा कर लिया, क्योंकि आज कहीं बाहर जाने का स्कोप नहीं मिलेगा, शाम को भी बिजी ही रहूँगी। तो सुबह ही वर्कआउट कर लो तो दिन का एक काम हो जाता है। ऑल्सो आप लोग ना मेरे मॉर्निंग व्लॉग्स को काफ़ी इन्जॉय करते हो, बट मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मुझे ये बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा है। लेकिन मैं एंटायर 20s आई वॉज फेलिंग एट मॉर्निंग रूटीन, एंड अभी मैं धीरे धीरे इसको बिल्ड कर पाई हूँ इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। एंड अभी भी मैं स्ट्रगल करती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट है, सब कुछ सही होता है, ऊपर नीचे होते ही रहता है। बट हाँ, कोशिश करती हूँ कि एक मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छे से फॉलो हो। मेरी कुक आ गई थी तो डोसा बना दिया, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। चलो फटाफट नहा लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे निकलना भी है, मैं एम्बियंस मॉल जाऊँगी। ओके, सो आई एम रेडी, मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। दिस व्हाट आई एम वेयरिंग, आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस दैट आई गॉट फ्रॉम अमेज़न, एंड आई एम वेयरिंग कैरिंग दिस बैग फ्रॉम चार्ल्सन की, आई थिंक आई हैड गॉट लॉन्ग टाइम बैक, दुबई में कभी गया था। एंड दिस इज अ ब्रेसलेट दैट आई एम वेयरिंग, दिस इज फ्रॉम तनिष्क, समथिंग दैट माई मदर इन लॉ हैज गिफ्टेड टू मी, ये वाला। एंड आई एम वेयरिंग माई माइकल कोर्स का वॉच, माई सिंपल इयर रिंग्स, दैट्स इट, एंड लॉट ऑफ स्किन केयर एंड सनस्क्रीन, रेडी टू गो। थोड़ा सा लेट चल रहा है अपन दोनों, 11 बजे मिलने वाले थे, बट अभी दोनों ही घर से 11 बजे निकल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रंच करने जा रहे हैं फिर बेसिकली। तो हम पहुंच गए हमारी फेवरेट पॉल्स पे, ब्रेकफास्ट का सोचे थे बट लेट हो गया, तो ब्रंच करने ही आ गया है। एंड यू नो, लाइक मैं पहले व्लॉग में बता रही थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लाइक माइंडेड गर्ल फ्रेंड्स। एज यू एज, आपको समझ में आ जाती है कि आपके मेंटल पीस के लिए
अच्छी गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक वीट बेस्ड चिकन पिज़्ज़ा शेयर किया, कोल्ड कॉफ़ी मैंने खाया ओट्स मिल्क वाली, और बहुत गप्पे लड़ाए, अपने फ्यूचर के बारे में बात किया, आगे का क्या प्लान है सब कुछ डिस्कस किया। थोड़ी बहुत ऑफकोर्स बिचिंग भी ज़रूरी थी। उसके बाद मॉल में ना एक शॉप में हम दोनों को एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आया और दोनों ने सेम ब्रेसलेट खरीद लिया, ईवल आई वाली, एंटी टार्निश है, 1000 रुपये की पड़ी थी हमें ये। उसके बाद हम लोग दोनों ही कवर स्टोरी चले गए, ऋतु कुमार कवर स्टोरी जो है, वहाँ से हम दोनों को ये सेम वाइट कलर की ड्रेस, कॉटन और अंदर लिनन भी था, हम दोनों को इतनी पसंद आई ये ड्रेस कि दोनों ने ही इसको खरीद लिया। अमेजिंग था, दोनों ने सेम ब्रेसलेट खरीदा और सेम ड्रेस भी खरीदा। ऑफकोर्स मेरी और उसकी साइज़ बस अलग थी, बट यस आई लव द आउटफिट, आई लव द ड्रेस। मेरे पास ये पहली एक कवर स्टोरी की आउटफिट है, मंजू पैसे खरीदती रहती है यहाँ से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये आउटफिट, आई एम इंटरेस्टेड टू नो। हेलो जी, सो मैं मंजू से मिलके वापस आ गई थी और आके मैंने फटाफट एक रील एंड शॉर्ट शूट कर लिया इस ब्लैक साड़ी का। अगर आपने मेरे अमेज़न फेस्टिवल हॉल देखा है तो आपने ये साड़ी ज़रूर देखी होगी और शायद रील्स भी मैंने डाल दिया होगा, आई डोंट नो, शॉर्ट्स रील्स। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, बनारसी, बहुत ही सस्ती है, 600 समथिंग की है। अगर लिंक चाहिए तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गेट इट। पीपल हैव लव द रेड साड़ी, क्या सेल हुई है साड़ी की, और अभी पूरा भसर है, मैस है, समझ रहे हो। शूट करने में उतना टाइम नहीं लगता, पता है टाइम लगता है रेडी होने में, इस साड़ी के साथ क्या मैचिंग होगा, जैसे कि ये बैंगल निकालना, ये निकालना, ये निकालना, इयर रिंग ये निकालना, ये सब निकालने में जो टाइम लगता है, जो भसर होता है, लेट मी जस्ट शो यू दैट, वेट। बेसिकली इस लेवल की भसर होती है क्योंकि आई हैव टू टेक आउट माई ज्वेलरी, माई मैचिंग ब्लाउज, सब कुछ, यू नो, एक भसर ही रहती है। अब इसको सब सॉर्ट आउट फिट से करना है, सो दिस इज वॉट बेसिकली हैपन्स बिहाइंड द सीन। दिस टेक्स एटलीस्ट एन आवर ऑफ एफर्ट टू फाइंड एंड मैच एंड मिक्स एंड ऑल दैट। तो ये थी आज मेरी मॉर्निंग रूटीन व्लॉग, या मॉर्निंग व्लॉग कह सकते, फन वीकेंड व्लॉग, चिल वाला था। सुबह तो अभी काम का टाइम है और थोड़ा और भी शूट एंड फुटेज लेना है क्योंकि पुराना वाला फुटेज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आप कैसे बताते हो आपका सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग्स, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड थैंक यू पहले भी जिन्होंने पहले मेरे वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने डाले हैं। आई रीड देम ऑल, आई लव यू गाइस, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।